हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी लेकर आई हूँ। अभी सर्दी का मौसम चल ही रहा है और इस मौसम में अगर सरसों के पत्तों की चटनी यानी राई के पत्तों की चटनी बन जाए तो क्या बात है। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, राई का जो एक पौधा मैंने अपने गमले में लगा लिया था और देखिए कितने सुंदर तरीके से राई का पौधा तैयार हुआ है। तो राई की जो पौधा होता है उसमें थोड़े से पत्ते जो होते हैं वे चौड़े होते हैं इस तरीके से, सरसों की तरह ही होता है। इसमें सरसों थोड़ी तीखी होती है और ये थोड़ी कम तीखी होती है, यानी कि हम दोनों के ही पत्तों से चटनी बना सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड हमने गमले में लगा लिया था, इस तरीके से आप कभी भी चटनी के लिए आप अगर तुरंत चाहिए तो आप इसे कट करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड हमने धो के साफ करके इसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, यानी दो पत्तों से हमारा इतना साफ तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से इसको रेडी रखना है और ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसके लिए क्या क्या और सामान चाहिए, देखिए वो सरसों के पत्ते हैं और लहसुन 4 से 5 कली और अदरक छोटा टुकड़ा है और 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है और 1 टमाटर लिया है, आधा नींबू लिया है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस ना ही हमें चटनी पीसने के लिए डालना है। और कढ़ाई में मुझे क्या करना, ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है और उसको हमें थोड़ा सा जो पत्ते हैं राई के उनका थोड़ा मुझे कच्चापन निकालना है। कच्चा नहीं बनाएंगे क्योंकि कच्चा बना दे, कई लोग कच्चा भी पसंद करते हैं, आप चाहें तो कच्चा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे कच्चा पसंद नहीं है। उसमें थोड़ा कच्चापन आता है पत्ते में, थोड़ी सी उसकी महक आती है सरसों की, तो इसलिए मुझे उसका थोड़ा कच्चापन निकालना है। तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा देखिए 1 चम्मच तेल डाला है और उसमें जो मैंने अदरक का टुकड़ा छोटा सा लिया था वो मैंने उसमें डाल दिया है। तो इसको ज़्यादा रेड नहीं करना है, हल्का सा बस उसका कच्चापन ही निकालना है। और जो 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन ली है उसको भी डाल देना है, बस हल्का सा चलाना है और तो ज़्यादा नहीं करना है, रेड नहीं करना है, बस उसको थोड़ा सा भून लेना है। और जो मैंने हरी मिर्ची ली थी बड़े टुकड़े करके उसमें डाल देना है, उसको भी थोड़ा भून लेना है। अब जब थोड़ा सा हल्का सा चला लेना, उसमें मुझे 1/2 चम्मच मैंने ली है चने की दाल और 1/2 चम्मच ही हम ये तरीके छोटा चम्मच है उस तरीके से हमें लेंगे उड़द की दाल। बस इस तरीके से इसको थोड़ा सा हमें मुझे फ्राई करना है, इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा हल्का सा, वो जो दाल हमारी हल्की सी रेड हो जाएगी ताकि बाकी हम उसमें सामग्री डाल देंगे। फ्रेंड्स वो तो थोड़ा सा ज़्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा भून लेंगे तो वो कालापन आ जाएगा तो हमारी चटनी में स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमारा रेड हो रहा है और रेड होने पर ही हमें उसमें बाकी का सामान इसमें हमें डालना है। तो ये फ्रेंड कम सामग्री में ही हमारी चटनी बन के तैयार हो जाती है। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह का हमारा रेड हो गया, अब उसमें मैंने जो टमाटर कट किया था एक वो मैंने डाल दिया है। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए चलाते रहना है, फिर हमें उसमें साफ डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड हम इस तरीके से जो मैंने सरसों के पत्ते मैंने काटे थे राई के पत्ते उसको मुझे इसमें डालना है। ज़्यादा पकाना नहीं है और ऐसा नहीं करना बिल्कुल साग को हमें पका लेना उसके बाद चटनी बनानी, ऐसा नहीं फ्रेंड्स करना है। बस इसको मुझे थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हमारा इसमें कच्चापन चला गया होगा, इतना ही करना है। हम आपको दिखा भी रहे हैं, भले माना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स जो मैंने धनिया लिया, जितना मैंने साग था उतना ही मैंने थोड़ा हरा धनिया लिया है, हरा धनिया लेकर मुझे उसी तरीके से कच्चापन निकालना है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे विटामिन्स और फाइबर होते हैं चटनी में, और अगर ताज़ी चटनी जब हमारे पत्ते घर के होते हैं अगर ताज़ी चटनी तैयार हो जाए तो उसको क्या बात है। फ्रेंड्स राई के पत्तों को क्या होता है, हम दाने डालते हैं और उसका एक छोटा छोटा पौधा होता है, अलग अलग गमले में आप लगा सकते हो, एक गमले में एक पौधा तैयार हो जाता है, उसमें काफ़ी पत्ते आते हैं, आप काटते जाइए उनको, आप साग भी बना के खा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हमारे गमले में साग तैयार हो जाता है। आप मार्केट से भी जो सरसों लेके आते हैं, जो पीली सरसों होती है जो थोड़ी सी उसके पत्ते छोटे होते हैं वो थोड़ी तीखी होती है, अगर उसको भी इसी तरीके से हम चटनी बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा तीखापन नहीं लगता है। तो ये मैंने इस तरीके से निकाल लिया है, उसको ठंडा होने के बाद उसको ठंडा कर लेना है थोड़ा सा। ठंडा होने के बाद में इसको मिक्सी के जार में हम चटनी वाले जार में इसको हम धीरे धीरे चला के हम चटनी बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने इस तरीके से इसको जो साग और धनिया था जो उसका पूरा सामान था उनको ज़्यादा नहीं मैंने पकाया है, ज़्यादा नहीं जलाया है, उसको सिर्फ कच्चापन निकाला है। और देखिए उसमें बिल्कुल पूरा ग्रीन लग रहा है, उसमें एकदम काला काला नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरीके से हमारी चटनी भी बनके तैयार होगी, ग्रीन ही तैयार होगी। और इसमें ही हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हम सेंधा नमक डाल रहे हैं फ्रेंड्स, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी चटनी अच्छे से चल जाए। ज़्यादा नहीं पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है चटनी के लिए, और इसमें 1/2 नींबू भी हम इसमें डाल लेंगे।
देंगे। आप चाहें तो उसमें आप अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इमली का पानी यूज़ करना चाहें तो आप इमली का पानी भी इसमें थोड़ा सा डाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें आधा नींबू यूज़ किया है जो नेचुरल है अपना, हमने वही चीज़ यूज़ की है, बाहर की चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं की है, जो अपने घर में ही था सब कुछ वही यूज़ किया है। फ्रेंड देख ले, टमाटर ही था बाहर का, बाकी चने की दाल और उड़द की दाल थी वो तो मार्केट से ही आती है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमें इसको चला लेना है और मिक्सी में चलाने के बाद इस तरीके से देखिए हम आपको दिखाएंगे हमारी चटनी इस तरीके से तैयार हो गई है। थिक है चटनी, देखिए ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल बीच की है देखिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी चटनी हरी और धनिया और सरसों के पत्तों की चटनी बनके तैयार हुई, जो आप सर्दियों में इसको खूब खाइए और इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, डोसे के साथ भी आप खा सकते हैं, आप इडली के साथ भी खा सकते हैं, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं इसको फ्रेंड, आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। फ्रेंड्स आप अपने टिफ़िन में, लंच में, डिनर में, आप किसी में भी चटनी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी ये चटनी उतने पत्ते में और साग में जो धनिया था उसमें हमारी इतनी चटनी बनके तैयार हुई। अब फ्रेंड्स में हम थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे तो और भी टेस्टी हो जाएगी। तो तड़के में भी ज़्यादा नहीं कुछ करना, आप एक चम्मच तेल डालिए और एक चम्मच हम तेल डालेंगे, देखिए इस तरीके से उसमें सिर्फ थोड़ा गर्म हो जाएगा, लाल मिर्ची और उड़द की दाल का थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो सरसों का भी तड़का लगा सकते हैं, हमने सरसों का नहीं लगाया क्योंकि हमारे सरसों के पत्ते की ही चटनी है, तो जाहिर सी बात है कि हम उड़द के दाल डाल के और लाल मिर्ची डाल के हम इसके तड़का लगाएंगे तो ये चटनी हमारी और भी स्वादिष्ट बन जाएगी। फिर देखिए हमारे दो छोटी छोटी हरी लाल मिर्ची है जो मैंने उसको तोड़ लिया है, तोड़ने के बाद उसमें तड़का लगाएंगे, इसको ज़्यादा भी रेड नहीं करना है, हल्का सा हुआ और देखिए मैंने उसमें जो लाल मिर्ची थी मैंने वो डाल दी है और इसमें देखिए रेड हो गया है। अब इसका हम तड़का लगाएंगे, तड़का लगाते हैं उसमें चटनी में और भी खुशबू अच्छी आ जाती है, तड़के की खुशबू। तो फ्रेंड्स देखिए हम इस तरीके से चटनी में इसका हमने तड़का लगा लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारी कितनी ही लजीज चटनी तैयार हुई है बनके। आप तो अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई डिश डालूं आप तो नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। और आप एक बार फ्रेंड इस चटनी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए, धन्यवाद।